हाय दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम अपने डॉग्स की सफाई कैसे करेंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब तैयारी कर ली है। ये एक उनका ब्रश वाला ग्लव्स है, जो कि हम लोग नहलाने के बाद, सुखाने के बाद इनको ब्रश करके इनका बाल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है उनका एक एंटी टिक पाउडर, जो कि हम लोग डालते हैं ताकि उनमें टिक ना हो, और इससे खुशबू भी अच्छी आती है। और यहाँ पर एक टावल हमने रखा है, और जैसे हमने एक पुराना ब्लैंकेट रखा है जिसमें हम डॉग को नहलाने के बाद उनको पोछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डाल दिया है, देखिए पूरे गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने। तो ना पहले हम नहला देंगे। रोज को पानी पसंद है, रोज ही को डर लगता है पानी से, इसलिए वो दूर बैठती है। इसको तो मज़े आते हैं। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि सर हमेशा लास्ट में धुलाना चाहिए। सर अगर पहले से धुला देते हैं तो फिर उनको थोड़ा सर्दी होने का चांसेस होता है। गुड बॉय रोज, कम कम कम। पानी पी ले, पी ले पूरा पानी। मज़ा आ रहा है रोज को। देखो अब सर, देखो बॉय। चलो अब रोजी की बारी। आजा आजा, कम कम कम। डरने से नहीं होगा, गंदगी हुई है, साफ करना पड़ेगा। आजा आजा आजा। इसको थोड़ा डर लगता है पानी से, इसलिए हमेशा दूर दूर जाती है पानी से। जनरली डॉग को पानी पसंद है, पर ये थोड़ी शाई है। मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। गुड गर्ल जी। चलो अब शैम्पू लगाने की बारी। जी कम 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 यार। तो आपको शैम्पू ले लेना है हाथ में, और इसको अच्छे से लगा देना है। अब खुशबू आएगी रोज के बालों से। गुड बॉय। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा, गर्मियों में आप डॉग्स को एक दो बार नहला सकते हैं हफ्ते में। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा रोज़ नहलाने के लिए, क्योंकि उससे उनका कोट ड्राई हो जाता है, कोट का ऑयल निकल जाता है, तो फिर बाल झड़ने लगते ज़्यादा। रोजी की बारी। रोजी झुकना है, डर लगता है रोजी को बहुत। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। बस हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी। हर जगह कोशिश करिए रीच करने की, पाँव में, पॉज में। रोज को सब खाना है, शैम्पू भी खा जाता है रोज। मजा आ रहा है रोज को। मजा आ रहा है। चलो शैम्पू अच्छे से चला गया है। चलो चलो चलो, हट जाओ। हाँ जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है बॉय। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? इस तरह से सारा पानी रिंस करेंगे। सर मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही तरह का शैम्पू यूज़ करें, बार बार अलग अलग तरह का शैम्पू हटाने से, चेंज करने से उनके बालों पर इफेक्ट पड़ता है। मैं तो हिमालयन का यूज़ करता हूँ शुरू से ही, वही ठीक है।
घूम जा, रोज घूम जा, इधर इधर कम, बस बस हो गया, थोड़ा थोड़ा, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, इधर बस हो गया हो गया, थोड़ा गुड गुड, बस चलिए हो गया नहाना, अब इनको पूछना है। पूछने से पहले आपको घर से निकलने से पहले रूम से टॉवल ले आना, नहीं तो पूरा घर गीला कर देंगे। ये रहा हमारा टॉवल, पहले सर पूछना है, सर को पहले सबसे पहले पूछने से अच्छा लगता है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय रोज, मजा आ रहा है, साफ हो गया रोज, पूरा गंदा इतना हो गया था गार्डन में घूम के, साफ हो जाएगा। चलो 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 चलो, देखिए ये ब्लैंकेट में कैसे जा रहे हैं। गुड बॉय इनको हम ये थोड़ी देर फैन में सुखा देंगे, फैन में सूखने के बाद हम लोग इस वाले ग्लव्स से थोड़ा सा ब्रश करके। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग इसका रोज का ब्रशिंग करेंगे। ये हमने ग्लव्स पहन लिया है और रोज रोजी के बाल नहलाने के बाद सूख भी गया है। रोज कम यार, कम इधर आ, इधर आ, इधर ये देखिए दोस्तों कितना बाल निकल रहा है। तो ये सब बाल रूट से टूट जाता है पर निकलता नहीं है, तो इससे इसको गर्मी होता है, तो ये सब निकाल देने से इनको बहुत अच्छा लगता है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, मज़ा आ रहा है। ठीक है, आओ रोज पूरा हैंडसम हो जाएगा, रख मजा आ रहा है रोज को। देखिए गाइस कितना सारा बाल निकल रहा है शैम्पू करने के बाद। अब रोजी की बारी, इसको हम ऐसे ब्रश से इसका सारा बाल निकालेंगे। गुड गर्ल गुड गर्ल रोजी गुड गर्ल रोजी, बड़ा प्यारी प्यारी हो जाएगी। ये देखिए कितना बाल निकल रहा है शैम्पू करने के बाद। तो ये सब बाल को हम लोग निकाल देने से इनको आराम लगेगा, हवा अच्छा जाएगा बॉडी में, इनको अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो अपना बाल ट्रिमिंग भी करा देते हैं, पर अभी मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है तो अभी इनको ट्रिमिंग करने का ज़रूरत नहीं है शायद। लेट जाओ लेट जाओ।
ये देखिए गाइस कितना सारा बाल निकल रहा है। बस हो गया, ख़त्म हो गया। गुड गर्ल गुड गर्ल, रोज प्यार भी कर रहा है। चलो भाई इतना ही था आज के लिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट अ थम्स अप।